ये वाला व्यू है शांतिवन का, ब्रह्म कुमारी के शांतिवन आश्रम का व्यू है ये वाला। और हम ना 2023 में शांतिवन गए थे और ज्ञान सरोवर गए थे, तो वहाँ जब मैं गई थी मैंने वहाँ के खूब सारे ब्लॉग्स बनाए थे और मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है माउंट आबू की। तो उस टाइम जब हम गए ना तो मैंने सारी वीडियोस सारी बना ली थी, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, एक मैंने वहाँ किचन की भी पूरा ब्लॉग बनाया था और ये वाला है मेरा किचन का ब्लॉग जो मैं उस टाइम अपलोड नहीं कर पाई थी। तो इस टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना चलो मैं इस बार वहाँ के ओम शांति का जो ज्ञान सरोवर है ना वहाँ के किचन का ब्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। तो ये वाला वहाँ के किचन का मतलब ब्लॉग होगा ये वाला मेरा, और इसमें मैंने वहाँ का पूरा किचन दिखाया हुआ है, मतलब वहाँ का किचन कैसा है, कैसे खाना बनता है और कैसे कैसे सब कुछ होता है, मतलब वहाँ सारी चीज़ें उनकी नेचुरल होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें दिखाई हैं। तो ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वाला ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत अच्छा ब्लॉग है। ब्रेड तैयार होने के बाद यहाँ स्टोर करके रखे जाते हैं। शांति आप सभी को, और आज मैं आई हूँ ज्ञान सरोवर के मेस में, किचन में, और भैया रामलाल भैया मुझे लेकर आए हैं। चलो हम देखते हैं कि हमारे लिए प्रसाद कैसे बनता है, बाबा का प्रसाद कैसे मिलता है हमें। तो किचन दिखाती हूँ पहले मैं आपको। ये है बाबा का किचन और यहाँ खाना बनता है हमारे लिए, और ये यहाँ सब्जी बन रही है। किस चीज़ की सब्जी है भैया? केले का सब्जी है, ये कच्चे केले की सब्जी बन रही है। और यहाँ बन रही है दाल। ये हमारे किचन के मेन भाई है। भाई क्या शांति भैया, आप क्या करते हैं भैया? ये क्या फ्रायर है? फ्रायर है। हाँ जी। ये थर्मोफ्लूइड सिस्टम है। हाँ जी। थर्मोफ्लूइड सिस्टम में क्या होता है, थर्मोफ्लूइड ऑयल होता है। हाँ जी। थर्मोफ्लूइड ऑयल क्या करते हैं, वो बॉयलर से गर्म करते हैं। हाँ। गर्म होकर इधर पाइपलाइन से आ जाता है, ये पाइपलाइन से आता है और ये जो ऑयल है वो कॉइल है, ये कॉइल में घूमता है। हाँ जी। एक अंदर होता है कॉइल, एक बाहर होता है, फ्रेयर है ना इसमें, तो डबल जैकेट है, ये डबल कॉइल होते हैं तो इसलिए जल्दी गर्म हो जाता है ऐसा। फिर ये क्या करते हैं, ये कॉइल में घूम के वो गर्म गर्म तेल कॉइल में घूमता है, अंदर का तेल गर्म कर देता है। सेम कढ़ाइयों में भी ऐसे होते हैं। अभी ये कॉइल है, इसके अंदर है, ये बाहर नहीं है। इसके अंदर कॉइल है, छोले बन रहे हैं ना, लौकी चने की दाल। लौकी चने की दाल, अच्छा लौकी चने की दाल बन रही है। और अभी इसमें केले की सब्जी है, और वहाँ केले की सब्जी, और ये पत्तों की सब्जी है। कोई भी तलने का चीज, पापड़ हो, पकौड़ा हो, कोई भी तलने का इसमें बनते हैं। वो जो इधर रहेगा तो तेल ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद तलने का, पकौड़ा है, पापड़ है, कुछ भी तलने वाला चीज़ इसमें तलने। और जब ये जो सिस्टम खत्म हो जाता है तो ये जैसे वो सिस्टम खत्म हो जाता है, मान लीजिए कुछ बिगड़ गया है। हाँ जी। तो हमारा क्या भारतीय सिस्टम है। हाँ जी। जैसे हलवाई के पास होता है ना भट्टा। हाँ जी। तो इसमें केरोसिन वहाँ पाइप से आ रहा है, भट्टी है ये, भट्टी है, उसमें केरोसिन आएंगे और इसे फिर एयर पंखा है पीछे। हाँ। तो दोनों करके इन्हें भप भप बहुत आग जलेगा। हाँ। सेम वैसे ही सब कुछ करेगा इसमें। अच्छा। जैसे तलने वाला चीज हो, चाय फ्राई करने वाला कोई भी चीज कर सकते हो। और इसमें क्या सिस्टम है, इसमें एक में यहाँ से गर्म हवा तुरंत ऊपर चले जाएंगे, चिमनी एयर कंडीशन जैसे लग रहा है, बिल्कुल ठंडा लग रहा है, लग नहीं रहा है, किचन है, किचन है। हाँ जी। और एक साइड से ऊपर से ठंडी हवा आएगी। ओके। इसमें दोनों प्रकार लग रहा है, ऊपर जाता है, दूसरे में ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों चीजें एक ही साथ है, एयर कंडीशन पूरा किचन लग नहीं रहा, वैसे खाना पका रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ किचन चलता है। और अभी आधा मिनट के अंदर सब साफ सफाई करके चले जाएंगे, योग कर रहे हैं भैया। साफ सफाई बहुत ज्यादा है यहाँ सच में, क्योंकि हमारे हम उस जमाने के लोग है ना, हम कौन है, सारी सनातन देवी देवता धर्म के लोग है, हम स्वच्छता को विश्वास करते हैं, स्वच्छता में रहना पसंद करते हैं। तो हर प्रकार से स्वच्छता से तन और मन और कर्म सभी स्वच्छता हो, सभी स्वच्छ दुनिया आए, है ना, हम उस दुनिया के लोग हैं। ठीक है। जो दुकान होता है। हाँ जी। तो दुकान में क्या सामान सब कुछ रहता है। हाँ जी। लेकिन सब बिखरे पड़े रहता है, लेकिन यहाँ सब कुछ मैनेज है, सब कुछ है। देखो इसके अंदर दाल है, ये हल्दी है, ये देखो इसमें जीरा है, इसमें धनिया पाउडर है, ये सब चीज इसमें है। इसमें तेल डालते हैं, फिर इसमें मोटर के थ्रू वहाँ टैंक है, वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से बाद मोटर लगाई हुई है।
ये सारी डब्बा है ना इसमें डालते हैं और मोटर किधर छान के जाएगा नीचे। ये यूज्ड ऑयल होता है? हाँ, यूज होते हैं, यूज ऑयल। यूज्ड ऑयल फिर से इसमें से भी फिल्टर होकर नीचे जाएगा, फिर दोबारा टैंकी में रखेगा, उसमें से फिर हम लोग कढ़ाई में लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये छोटा सा स्टोर है, मेन स्टोर नीचे है, उससे भी बड़े स्टोर हमारा आम रोड में है, जिसको बोलते हैं गोडाउन। गोडाउन, हाँ, बड़े गोडाउन जहाँ सारा स्टॉक होता है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा लाकर हम लोग यूज़। और यहाँ क्या है कि सब चीज लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए पोहा है, पोहा है तो। इसमें सूजी है, सूजी। इसमें बेसन है, बेसन को हम लोग छान कर यूज करें। ये सब घर में बनाते हैं बेसन भी। बेसन भी घर का है? घर में पीसेंगे हम लोग। ये तो इसमें दाल है, ये दाल है, इसी प्रकार सभी प्रकार दाल है, लिखा है ना? हाँ जी। छिलका वाली दाल, उड़द दाल, लाल मिर्च साबुत, मटर, इमली, छिलका मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, चीनी तुअर दाल कौन सी होती है वो भी देखूंगी। उसको बोलते हैं हर हर की दाल। अच्छा, हाँ जी, एक्चुअली सबका अलग अलग होता है। आपने रोटी देख लिया, किचन ने भी हमको प्रसाद किचन देखा था। प्रसाद किचन अलग है? हाँ, सभी किचन का अलग है। और यहाँ ऐसे लेके जाते हैं खाना, मतलब ट्रॉली के थ्रू खाना लेके जाते हैं। वहाँ भी मशीन है, उसमें डाल देंगे ताकि गरम रहे। हाँ, मशीन में खाना डाल देते हैं जिससे वो गर्म रहेगा। और यहाँ छोटा सा किचन है, मान लीजिए यहाँ कोई बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, राज्यपाल आते हैं, और हमने कोई मिनिस्टर आ गया है, जैसे हमारे मुर्मू जी आए थे, तो सबका भोजन यहीं पर बनेगा। अच्छा। फिर उनका टेस्टिंग करने वाला एक आएंगे, वो आके यहाँ टेस्टिंग करता है, फिर वहाँ उनका कोटेज वहाँ ले जाते हैं, वहाँ फिर उनका भोजन कराया जाता है, बाकी बनते ही हैं। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? खाना बना रहे हैं। अच्छा, अरे यहाँ सभी दीदी दादियों के भोजन बनता है, मतलब जिन्हें नॉर्मल खाना है, ज्यादा तीखा नहीं खाना। तो बड़े बड़े जैसे जैनी आएंगे, वो लोग को 6 बजे भोजन चाहिए, तो उनके फिर 6 बजे बना करेंगे। कैसे हो आप सब? आज पता है मुझे जाना है, पर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, किसी का ही नहीं करता, यहाँ नहीं कर रहा। यहाँ आंटी रोटी बेल रही है और वहाँ दीदी सेक रही है, और ये बन रहा है पत्ता गोभी दाल। हम दिल्ली से, और यहाँ ये दाल बन रही है पेशेंट्स के लिए, जिसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए बन रही है, ये भी पेशेंट्स के लिए बन रहा है, लेकिन देख के लग नहीं रहा पेशेंट के लिए है। पता है जैसा होता ना, हम पेशेंट वाली खिचड़ी देखते हो, पतली पतली सी होती है, बट हाँ इनमें किसी चीज को देख के लग नहीं रहा, पेशेंट तो वैसे ही देख के ठीक हो जाएगा। और यहाँ स्टोरेज के लिए फ्रिज है, अरे वो आपके लिए तो अच्छे से टाइम पास के लिए टीवी वगैरह सारी फैसिलिटीज है। हाँ, और यहाँ से सब कुछ लाइव चलता रहता है, कोई प्रोग्राम चलता रहता है, वो यहाँ लाइव देखते रहते हैं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ हम यहाँ खाना बना रहे हैं तो किचन में, तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे। दलिया रखा जाता है पेशेंट के लिए, दलिया। अच्छा, दलिया है ये? हाँ जी, दलिया अभी खत्म हो गया है, किसी को गुड़ खाने दिल करता है, यहाँ गुड़ रखा जाता है, और इसमें गुड़ है, अगर किसी का गुड़ खाने का मन है तो ये सरोवर का कंप्लीट किचन टूर, जिसको मैं सिर्फ भैया की वजह से देख पाई और आपको भी दिखा पाई हूँ। तो यहाँ जो भी था बहुत अच्छा था, और जो फर्स्ट थर्मल प्लांट था ना, सोलर थर्मल प्लांट था, नीचे शांतिवन में। अच्छा, शांतिवन में। हाँ, जाते समय ये देखो, यात्रियों के लिए अलग से भोजन तैयार किया जाता है यहाँ,
हाँ, इसको बोलते हैं जर्नी फूड, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर पब्लिक आते हैं और कौन सी देश का लोग क्या भोजन करते हैं उस अनुसार फिर उसको भोजन बना कर पैकिंग करके दिया जाता है। तो इसीलिए हम आपको अभी जर्नी फूड दिखाएंगे। चलो जर्नी फूड देखते हैं अभी। अब ये जो है देख ले, ये यहाँ के टाइम टेबल है, क्योंकि हम टाइम टेबल के आधार से चलते हैं। टाइम टेबल में हम मेडिटेशन करते हैं, टाइम टेबल कर्मोनर सेवा करते हैं, इसलिए ये टाइम टेबल है। और चलो चलते हैं अंदर। ये है जर्नी फूड। ये जर्नी फूड ओरिजिनल गाजीपुर सेंटर से वहाँ से आए हैं, बाकी डबल में पढ़ाई करने के बाद ये यहाँ अपने जीवन को समर्पित किए। वर्तमान समय अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ये तो ठीक है, माध्यम है। जर्नी फूड डिपार्टमेंट के हेड है, प्लस इन्होंने एजुकेशन विंग्स का कारोबार करते हैं, यूथ का भी कारोबार करते हैं, और प्लस और भी बहुत वैल्यू एजुकेशन का भी कारोबार करते हैं। ट्रेनिंग और ट्रेनर भी, उसका भी ट्रेनर है, इसीलिए जगह जगह जाकर मल्टी टैलेंटेड है भैया। यहाँ के हेड है और इस समय वर्तमान समय आपके सम्मुख है, आप इनसे वार्तालाप कर सकते हैं। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। आज हम भैया के बारे में कुछ जानेंगे। भैया यहाँ के जर्नी फूड के हेड है, बताइए भैया कुछ अपने बारे में। जी जी, हमको लगभग 30 साल यहाँ पर हो गया और हम यात्रा भोजन विभाग की में सेवाएं देते हैं। यहाँ पर हम अचार भी बनाते हैं, जैसे सीजन में आम का अचार 20-25 ड्रम बना देते हैं ताकि पूरा साल भर चलता है। आम का अचार, नींबू का अचार, सीजन में नींबू का भी 20-25 ड्रम बनाते हैं, और फिर आंवले का भी अचार बनाते हैं 15-20 ड्रम, और ये कारोबार चलता रहता है। और अचार भी बनाते हैं, पैकिंग भी कराते हैं, भोजन भी बांटते हैं सबको। तो ये यात्रा भोजन विभाग से बहुत सारे 6 महीना हमारे VIP अलग अलग 20 वर्गों के लोग आते हैं, VIP को उनको भी भोजन पैकेट्स बना कर देते हैं, और फिर इसके बाद 6 महीना विदेशी भाई बहने आते हैं तो उनको सैंडविच बनवाना, साथ में आलू चिप्स देना, उनको भी हम यहाँ से पैकेट्स बना कर देते रहते हैं। तो यात्रा भोजन से भी भारत के विदेश के लोगों को भी यहाँ से सेवाएँ देती रहती है। भैया मैंने ना जैसे टीवी में देखा था, जैसे अभी मैं यूट्यूब पे सबको दिखाऊंगी, तो मैंने भी देखा था कि यहाँ ब्रेड खुद से बनाते हैं आप। अभी देखो वहाँ ले जाएंगे। अच्छा है, इसके बाद। अच्छा नहीं तो मैंने वो देखा था तो मेरा बड़ा मन था कि हाँ मैं वो चीज देखूंगी। अब हम ब्रह्म कुमारी ज्ञान सरोवर के जर्नी फूड से अब हम जा रहे हैं बेकरी फूड डिपार्टमेंट में, और अब हम जर्नी डिपार्टमेंट से आए हैं बेकरी डिपार्टमेंट में। यहाँ मैं स्पेशली देखने आई हूँ कि ब्रेड कैसे बनते हैं। इसके अंदर एक ट्रॉली घूम के ब्रेड बेक होता है जिसमें टेम्परेचर 240 डिग्री पे रखते हैं 35 मिनट के लिए। 35 मिनट में ब्रेड बेक होता है। ये मिक्सर मशीन है, इसमें हम आटा लगाते हैं, 30 kg आटा एक बार में डाल के मिक्स करते हैं जिसमें 15 मिनट में रेडी हो जाता है हमारा आटा। इसमें 400 ग्राम का अपना पेड़ा डालते हैं वेट करके, परफेक्ट हर में परफेक्ट होना चाहिए 400 ग्राम। फिर उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए रखते हैं, जब इतने तक आता है टेक्सचर उसके फूल के, फिर इसको बेक के लिए रखते हैं अंदर मशीन में। सबका साइज सेम है इनका या कोई छोटा बड़ा भी होता है? नहीं, सबका साइज सेम है। ये स्ट्रक्चर है ब्रेड के लिए, और ये ब्रेड तैयार होने के बाद यहाँ स्टोर करके रखे जाते हैं। और यहाँ वेजिटेबल स्टोरेज है, यहाँ कटिंग वगैरह होती है वेजिटेबल्स की, वहाँ होती है, हर जगह स्टोर करके रखा हुआ है यहाँ वेजिटेबल्स को। पत्ता गोभी, इसमें भी पत्ता गोभी है, और ये नहीं पता मुझे ये क्या है इसमें।